ये देखिए, ये अपनी कहानी मुझे सुना रहा है, वही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। चलिए इसकी बात करते हैं। ये है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, श्वेत कंठ किलकिला भी इसको बोलते हैं। आमतौर पर लोग इसे नीलकंठ बोल देते हैं, जो कि गलत है। नीलकंठ इंडियन रोलर बर्ड अलग होता है, यह किंगफिशर है। और यह है पश्चिमी बंगाल का राज्य पक्षी है, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। इसकी चोंच देखिए, ये कैसे मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। परंतु यह छोटा बच्चा है और इसकी चोंच मजबूत नहीं है, इसलिए मुझे नहीं काट पा रहा है। अब ज़रा आप इसकी चोंच को गौर से देखिए, ये देखिए बिल्कुल पॉइंटेड शार्प एकदम नुकीली चोंच है इसकी। और जैसे ये अडल्ट होगा, इसकी चोंच का रंग भी लाल हो जाएगा। इसके पंखों का रंग आप देखिए, दोनों पंखों पे सफ़ेद धब्बे। जब ये उड़ान भरता है तो नीचे से ये पंख सफ़ेद दिखाई देते हैं। और इसके पंख अभी बिल्कुल गहरे चमकदार नीले हो जाएंगे, जैसे ये अपनी युवावस्था की ओर जाएगा। और आप देख रहे हैं इसकी पूंछ, पीठ और पंखों के जो बिल्कुल चमकदार नीला रंग, उसके अलावा गहरा चेस्टनट जैसा रंग, इसका गहरा बादामी सा रंग कह सकते हैं। और इसकी छटा अलग ही देखने लायक होगी, इसके पंजे और इसकी चोंच बिल्कुल लाल हो जाएगी। यह हमारे आसपास मैदानी इलाकों से और हिमालय की 7500 फीट की ऊंचाई तक पाया गया है। इसकी जिह्वा देखिए कैसे अंदर जुड़ी हुई है, वो अलग से दिखाई देती है। और अगर हम बात करें, पक्षियों में एक मेम्ब्रेन होती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने पोज किया है वीडियो को, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। ये आँख को शुष्क होने से बचाती है। यह अपने प्रजनन काल के दौरान लगभग 3 से 3.5 फीट लंबी एक सुरंग बनाता है ज़मीन में, और उसमें लगभग 5 अंडे देता है, जिनकी 20 से 22 दिन तक हैचिंग के बाद में 19 दिन तक देखभाल के बाद बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। यह बाकी किंगफिशर से एक ख़ास मायने में अलग है। बाकी किंगफिशर जलीय जीवों पर निर्भर रहते हैं, परंतु ये चिड़िया का शिकार कर लेता है, छोटे पक्षियों का, सांप का, छोटे सांप, छोटी छिपकलियाँ वगैरह, गिरगिट, इन सब का शिकार कर लेता है। और ये शिकार को पटक पटक कर उसकी जान लेता है, चोंच में दबाकर, दीवारों पर या अपनी पर्च पर बैठकर उस पर रगड़कर उसकी जान लेता है, उसके बाद उसे खाता है। आश्चर्यजनक है कि ये अपनी इस मोटी चोंच से दीमक भी पकड़ कर खा लेता है। इसे आप खेतों के किनारे, तालाब किनारे, घर के पीछे, आसपास एक ऊंची टहनी या किसी पत्थर पर बैठे हुए और टकटकी लगाकर शिकार ढूंढते हुए देख सकते हैं। यह पक्षी मुझे कौओं से बचा हुआ मिला है, और चूंकि इसके माँ बाप आसपास आ गए हैं, इसलिए हम इसे आज़ाद कर देंगे और ये अभी उड़ जाएगा। ये देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।